मेरा मन इतना परेशान था कि मैं आंखों में मेरे आंसू थे। मैंने वहां डेड बॉडी उसकी नहीं, अभी मुर्दा खाने में नहीं थी, बाहर पड़ी हुई थी, कुछ मुर्दा खाने में थी, 372 डेड बॉडी विलियमटन हॉस्पिटल में, सिर्फ एक हॉस्पिटल में 372 जिसमें बच्चों के भी थी और औरतों के भी थी। मोस्टली बच्चे जो थे वो उन पर गोली का निशान नहीं था, वो शायद भगदड़ में कुछ ले गए थे, और इस सारी जगह पर लोगों के जूते ही जूते नजर आ रहे थे, तो वो भागे तो जूते छूटे भाग गए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि 40 के करीब डेड बॉडीज बच्चों की थी, दूध पीते बच्चों की, 100 के करीब औरतों की होंगी। आज हमारे साथ देश के एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने इतिहास की कुछ घटनाओं को अपने अंदर समेटा हुआ है, लेकिन इस देश को उन घटनाओं के बारे में नहीं पता। और ये जगह हमने आज खासतौर से इसलिए चुनी है कि ये रायसीना हिल वो जगह है कि जब अंग्रेजों ने इस जगह का चुनाव किया और ये तमाम राष्ट्रपति भवन से लेकर के यहाँ साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक बनाया, तो वो किताबें ये बताती हैं कि अंग्रेजों ने कहा कि हमने इस जगह को इसलिए चुना ताकि अंग्रेजों की माइट, सत्ता का दम्भ जिस तरीके से दुनिया को दिखना चाहिए उसी तरीके की ये इमारतें होनी चाहिए। लेकिन आज़ाद भारत में, इस माइट में आज़ाद सरकार ने भारत के नागरिकों के साथ 7 नवंबर 1966 को एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में अखबारों में नहीं छपने दिया गया। उस वक्त की सरकारों ने इन खबरों को रोका, लेकिन ये देश के आज की जनरेशन को उस घटना के बारे में भी नहीं पता। और एक ऐसा शख्स जिसने इन तमाम पूरी घटनाओं का चश्मदीद गवा रहा हो, रिपोर्टिंग की हो, पल पल की पूरी जानकारी उसके पास हो, आज के आधुनिक युग में उस घटना के एकमात्र हम आई विटनेस कह सकते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं मनमोहन शर्मा जी, एक लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे, उम्र के 80 से 82 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, और उस घटना में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आज की जनरेशन को बताने के लिए हमारे साथ उन्होंने अपना समय हमें दिया है। उसके लिए मनमोहन जी हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप आज हमारे साथ हैं। इस रायसीना हिल में 7 नवंबर 1966 को क्या हुआ, इसका हम आपसे वर्णन चाहते हैं ताकि देश की जनता को पता चले कि आजाद भारत में भी कोई ऐसी घटना है जिसे इस देश की सरकारों ने छुपाने की कोशिश की, इस देश की सरकारों ने मीडिया में दबाने की कोशिश की, वो घटना क्या थी। देखिए, बात यह है कि गौ रक्षा जो है ये सवाल शुरू से ही संवेदनशील रहा है, और बार बार लोग ये मांग करते रहे कि गौ रक्षा पर प्रतिबंध लगाया जाए। और आपको शायद हैरानी होगी कि इस मांग करने वालों में हर पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग भी बहुत सारे थे जो ये चाहते थे कि गौ वध पर प्रतिबंध लगे। जब ये बात नहीं मानी गई तो साधुओं का और एक प्रतिनिधिमंडल इंदिरा गांधी से मिला और उनसे अनुरोध किया कि आप इस देश में गौ वध पर कानूनन प्रतिबंध लगा दें। उन्होंने कहा अच्छा, विचार करेंगे। उसके बाद वो मामला खटाई में डाला जाता रहा और अंत में 1966 से गौ रक्षा अभियान सम्मति बनी और उसने देश में सत्याग्रह शुरू कर दिया। और भी मेरे ख्याल में हाल के इतिहास में यह पहला वक्त था जबकि सारे हिंदू जो भी थे, चाहे वो उनका विचारधारा क्या थी या वो किस संगठन से संबंधित थे, इस इशू पर एकजुट हो गए। आपको हैरानी होगी कि इस आंदोलन में सनातन धर्मी शामिल थे, आर्य समाजी शामिल थे, नामदारी शामिल थे और आरएसएस वाले शामिल थे,
ये नहीं, कांग्रेसी बहुत सारे शामिल थे, लाला हरदेव साय बहुत बड़े इसके थे और बहुत प्रोमिनेंट कांग्रेसी थे, इवन नंदा जी का इसको समर्थन प्राप्त था। तो ये आंदोलन चला और इस आंदोलन में तकरीबन 35,000 लोग सत्याग्रह करके जेल में गए। मीडिया में भी कुछ पब्लिसिटी मिली, मगर मीडिया का कुछ रोल जो था वो बहुत ज्यादा इनकरेजिंग नहीं था। तब 7 नवंबर को यह तय हुआ कि संसद के सामने प्रदर्शन करके सरकार से मांग की जाए कि गौ रक्षा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून संसद में पेश किया जाए। ठीक है, उसके बाद सरकार ने कोशिश की कि ये आंदोलन जो है फिजल आउट हो जाए। अच्छा, और इस आंदोलन में साधु संत सबसे आगे थे। उन दिनों जो हम लोगों की जानकारी है, इंटेलिजेंस ब्रो ने ये रिपोर्ट दी कि संभव है कि दिल्ली पुलिस वाले, अगर उनको साधुओं पर गोली चलाने की आदेश दिया गया तो भी इस आर्डर को पालन सही ढंग से ना करें। इसलिए इस आंदोलन को कुचलने के लिए जम्मू कश्मीर मलेशिया विशेष रूप से बुलाई गई। उन दिनों आपको हैरानी होगी कि प्रदर्शनकारियों को संसद के दरवाजे तक आने की अनुमति थी। हम भी उसका कवर कर रहे थे, हम दोनों हिंदुस्तान समाचार में था और मैं इस आंदोलन को कवर कर रहा था। बहुत सारे तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, साधु, और यहां पर मस्जिद के सामने एक मंच बना जिसमें तकरीबन 100 आदमी ऊपर थे जो हिंदुओं के असली प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। उनमें कोई भी ऐसी पार्टी ऐसी नहीं थी जिससे जुड़े हुए लोग उस मंच पर मौजूद ना हों और वो इस बात का समर्थन ना कर रहे हों कि गौ वध पर कानूनन प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, हो गई बात। मुझे कहा गया कि आप इस की कवरेज करिए। मेरे पास संसद का पास था। संसद में प्रेस रूम में यह तय हुआ कि हम प्रेस रूम से जैसे संसद के समाचार देते थे, वैसे हम इस आंदोलन के समाचार भी, उस रैली के समाचार भी हम अपने दफ्तर को दें, हिंदुस्तान समाचार को। लोग एक जगह नहीं ठहराए गए, जगह जगह ठहराए गए, मंदिरों में ठहराए गए, धर्मशालाओं में ठहराए गए और वो जत्थों की शक्ल में अपने अपने स्थान से संसद की ओर बढ़ने शुरू हुए। भीड़ बढ़ती गई, भाषण चलते रहे, बहुत सारे लोग बोले, बड़े बड़े लोग बोले, संघ के कई लोग थे, कृपात्री जी महाराज उसके केंद्र थे, नामधारी गुरु थे बाबा जगजीत सिंह, आर्य समाज के लीडर थे, सनातन धर्म के बहुत सारे लीडर थे, बहुत सारे लीडर थे। इतने अब मुझे सकते ये कहना कि 100 आदमियों में कौन कौन था, ये मेरे लिए नाम लेना संभव नहीं, बट बहुत सारे लोग थे। भाषण चलते रहे चलते रहे। हमने भाषण कवर किए और उसके बाद हम संसद में अंदर प्रेस रूम में जाके खबर डिक्टेट कर रहे थे। ठीक है, इतने में एक सज्जन वाच एंड वार्ड के आए और उन्होंने कहा, रे बात तो गोली चल रही है। मैंने कहा, यार गोली नहीं चल रही होगी, टीयर गैस चल रही होगी, उसकी भी आवाज वैसी होती है, तुम क्यों परेशान कर रहे हो। खैर, वो कहा, नहीं साहब आप देख लीजिए। तब तक जो है टीयर गैस या गोली की आवाज शुरू हो गई थी।
बहुत ज़्यादा टीयर गैस का धुआं था, पार्लियामेंट के अंदर धुआं था, प्रेस रूम के अंदर धुआं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हम खबर लिखवा रहे थे। इतने में एक और सज्जन आए जो कि दिल्ली पुलिस में थे, दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल ब्रांच है जो इंटेलिजेंस का काम करती है, वो DSP थे। तो उन्होंने कहा शर्मा जी यार बार तो कबाड़ा हो गया। मैं क्यों, क्या हो गया? आखिर गोली चल रही है और साजुओं पर गोली चल रही है। क्या एक न्यूज़मैन के तौर पर मैं भागा, मुझे वाच एंड वार्ड ने रोकने की कोशिश की। तब ये हुआ कि जब गैस चली, लाठीचार्ज हुआ, गोली चार्ज हुई, तो कई लोग भाग कर, उन्होंने ये कोशिश की कि वो संसद के परिसर की दीवार को फांद कर संसद में घुसने की कोशिश करें। खैर उनको वहीं गोली से उड़ा दिया गया, ये बात सच है। हमने भी कुछ लोगों की, साजों की लाशें पड़ी हुई देखी संसद के परिसर में, कई लोग अंदर भी घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैं जब बाहर निकला तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी टीयर गैस थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बाहर निकला, फिर मैं वापस आया क्योंकि मुझे एक पुलिस वाले ने कहा अभी गोली चल रही है, डोंट गो। खैर वहां वापस आया तो नंदा जी खड़े हुए थे, नंदा जी उन्होंने हेल्प होम मिनिस्टर थे, और वो बहुत ग्लूमी फेस था उनका। अच्छा, मैं नंदा जी को व्यक्तिगत रूप से जानता था, तो मैंने नंदा जी आपको शर्म नहीं आती? एक तरफ तो आप भारत साधु समाज बनाते हैं, साधुओं के आप करते हैं पूजा करते हैं, और आप सनातन धर्मी होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ गोली चला रहे हैं, चलवा रहे हैं साधुओं पर, आपको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद में क्या भगता रहा मुझे नहीं मालूम। खैर नंदा जी ने कहा देखो भाई मेरे कहने से गोली नहीं चल रही, मुझे नहीं पता कि गोली किसके देश से चल रही है, मैं गोली चलाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, गोली कौन चला रहा है मुझे नहीं मालूम, किसने आदेश दिया मुझे नहीं मालूम। खैर फिर मैं वापस आया और मैंने ऊपर बाथरूम में जाकर अपना रुमाल गीले किए दो और उनको आंखों को लगाया, क्योंकि टीयर गैस में अगर आपके गीले का इस्तेमाल करें तो वो आपको राहत देती है, आपकी आंखों में जलन नहीं होती। खैर हम नीचे गए, उसके बाद नीचे था, नीचे ये समझिए कि उस घटना को तकरीबन 30 साल गुजर गए हैं, मगर वो दृश्य मैं आज भी सोचता हूँ तो मैं कांप उठता हूँ। इतनी बड़बड़ता मैं कल्पना नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के दरवाजे से लेकर पटेल चौक तक खून फैला हुआ था, जख्मी कर्रा रहे थे, पानी मांग रहे थे, पानी देने वाला कोई नहीं था। उसी वक्त में 3-4 जगह से आग के शोले उठते दिखाई दिए। एक तो ट्रांसपोर्ट भवन है जो पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल साथ था, एक कामराज नादर की कोठी के बाद था, एक गोल पोस्ट ऑफिस की तरफ था, कुछ शोले दिखाई दे रहे थे विंडसर प्लेस की तरफ, कुछ शोले दिखाई दे रहे थे रीगल की तरफ। तो हमें ये बताया गया कि साहब ये जो आए थे प्रदर्शनकारी उन्होंने वायलेंस किया है और उन्होंने आग लगाई है और उन्होंने लूटपाट की है, गोली चल रही थी, इसमें कोई नहीं है। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग की, मगर वो फिर मैं जब वापस जाने लगा तो वो दरवाज़ा उन्होंने नहीं खोला, तो मैं पिछली तरफ से जो एक पिछली तरफ से दरवाज़ा होता था, ये गोल चक्कर जो संसद के ये एक क्या कहते हैं सेंटर सेक्रेटरी के सामने गोल चक्कर होता था, वहाँ एक दरवाज़ा था वो खुला था, मैं उससे निकल के चला गया। क्या चारों तरफ मुझे मेरे दोस्त जो थे
सीआईडी में जो लोग थे लोकल सीआईडी में, उन्होंने कहा देखो शर्मा जी पाँच छः जगह गोली चल रही है, गोली जो चला रहा है वो जेके मलेशिया चला रहा है, ठीक है। गोली की आवाज़ आ रही थी, निरंतर गोली की आवाज़ आ रही थी। मैं पटेल चौक पर पहुंचा तो मुझे रोक दिया गया, आप आगे नहीं जा सकते। और लाशें तो थी, गिरी हुई थी, हमें दिखाई दे रहा था, खून बह रहा था, यहाँ तक कि मेरा जो जूता था वो ऊपर तक खून से लथपथ हो गया था। और जब मजा जिसको बोलते हैं, वो जगह जगह फैली हुई थी सफ़ेद रंग की, यह हड्डियों में से जो होता है, अगर जिनको गोली लगी उनका होगा कुछ ऐसा, मुझे नहीं मालूम। खैर, अब वहाँ एक सज्जन थे, वो मुझे जानते थे, दिल्ली पुलिस में से जुम्मेवार अधिकारी थे, हमारे गांव के थे, इसलिए उनसे हमारा पर्सनली नाता था। तो मैं, वो कहना क्या हो गया, मैंने कहा यार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या मरने के दिन आएंगे तेरे, तू रिपोर्टिंग करेगा, गोली चल रही है तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फिर उसने मुझे अंडा, मैंने कहा नहीं यार ये तो ड्यूटी की बात है। कहना चल फिर मेरे साथ, वो मुझे साहब विंडसर प्लेस ले गया, विंडसर प्लेस का जो गोल चक्कर है वहाँ भी वही लाशें थी और गोली चल रही थी तबीयत से। फिर मैं वहाँ से गया गोल पोस्ट ऑफिस, गोल पोस्ट ऑफिस में कुछ आग लगाई हुई थी, कुछ वाहन जल रहे थे और लाशें पड़ी हुई थी और पुलिस गोली चला रही थी। अब फिर मैंने, मगर ये हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम कवरेज कैसे करें। फिर मैंने दफ्तर फ़ोन किया, मैंने कहा भैया मैं अकेले आदमी के पास का रोग नहीं है, तो दो तीन और आदमी भेजो क्योंकि ये मामला बहुत सीरियस है, मेरे पास का रोग इतनी जगह से रिपोर्टिंग करना नहीं है। मैंने कहा ठीक है हम भेजते हैं। मगर दिक्कत ये थी कि पुलिस किसी को भी अलाउ नहीं कर रही थी इस एरिया में दाखिल होने के लिए, चाहे वह रिपोर्टर था चाहे कुछ भी हो। तो हमारे तीन चार लोग आए, उनको उन्होंने फोर्सवली वापस कर दिया, हालांकि उन्होंने अपने कार्ड दिखाए, पार्लियामेंट के कार्ड दिखाए, मगर वो नहीं। ये सिस्टम चलता रहा बहुत देर तक, और मैं पार्लियामेंट में भी वापस नहीं जा सकता था क्योंकि दरवाजे बंद थे और वो किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे। ऑन फुट में अपने दफ्तर गया, उन दिनों हमारा दफ्तर होता था ये कनॉट लेन में, यहाँ आजकल मेट्रो का दफ्तर है, यहाँ हमारे पास दो बंगले थे, वहाँ पर मैंने खबर बनानी शुरू की। तब तक ये हुआ कि हमारे किसी सोर्स ने हमें कहा देखिए आर्मी आ गई, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि यू शुड नॉट इंटरवीन, और जो आर्मी कहे आप आर्मी के मुताबिक चलिए। और चार जगह पर डेड बॉडीज आर्मी लेके जा रही है। वो चार जगह कौन थी, मैं उसका थोड़ा जिक्र करना पसंद करूंगा, विलिंगटन हॉस्पिटल, हिंदूराव हॉस्पिटल, इरवन हॉस्पिटल और सफदरजंग, एम्स तब नहीं था। और वो किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं और वहां पर पैरा है। अब वो जो पत्रकारों का थोड़ा होता है हिसाब किताब, तो मैं वहाँ से शंकर मार्ग के से बाहर निकला और मैंने ये जो बाबा खड़क सिंह मार्ग है वहाँ से होते हुए मैं और ये विलिंगटन हॉस्पिटल पहुँच गया, ठीक है। विलिंगटन हॉस्पिटल के बाहर आर्मी थी, आर्मी ने हमें रोका, वहाँ भी हमारे कोई जानकार थे क्योंकि मैं पुलिस बहुत देर तक कवर करता रहा था, तो काफ़ी लोगों से व्यक्ति का संबंध। मैंने क्या हो गया, क्यों मरने आ गया, तो मैंने कहा यार ऐसे है ये थोड़ा सा अंदर कर ले, तो कहने लगा अच्छा देखता हूँ। उसने आर्मी वाले को कह रहे ये हमारे साहब हैं, तो उसने कहा क्या ये स्पेशल ब्रांच से, अंदर चला गया। उसके बाद मेरा मन इतना परेशान था कि मैं आंखों में मेरे आंसू थे, मैंने वहाँ डेड बॉडी की नहीं, अभी मुर्दा खाने में नहीं थी, बाहर पड़ी हुई थी, कुछ मुर्दा खाने में थी, 372 डेड बॉडी विलिंगटन हॉस्पिटल में थी, सिर्फ एक हॉस्पिटल में 372, जिसमें बच्चों के भी थी
और औरतों के बीच। मोस्टली बच्चे जो थे वो उन पर गोली का निशान नहीं था, वो शायद भगदड़ में कुछ ले गए थे, और इस सारी जगह पर लोगों के जूते ही जूते नजर आ रहे थे, तो वो भागे तो जूते छूटे भाग गए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि 40 के करीब डेड बॉडीज बच्चों की थी, दूध पीते बच्चों की, 100 के करीब औरतों की होंगी। मैंने बाहर आया, एक टैक्सी स्टैंड था वहां, तब ये मोबाइल वगैरह नहीं थे। मैंने अपने ऑफिस को फोन किया कि देखिए बाकी जगह आप कॉरेस्पॉन्डेंट को भेजिए, ये पोजीशन है और मेरे लिए अब असंभव है, मैं एक ही पॉइंट कर सकता हूँ, दूसरी जगह मैं नहीं जा सकता। तो टैक्सी ले लो, मैंने टैक्सी को मिल ही नहीं रही, क्या बात तुम बात कर रहे हो। खैर उन्होंने 3 लोगों को कहा कि आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए, मगर वो हॉस्पिटल के अंदर जाने में सफल नहीं हुए। इसलिए ये कहना कठिन है कि वहाँ कितनी डेड बॉडीज गई, क्या हुआ, मैं आई कांट से बोल। देखिए ये पखंड चल रहा है, ये बात तो सच है। देखिए बात ये है कि मेरा ये मानना है कि हिंदू जो है वो उसने वोकल नहीं है, उसने संवेदनशील नहीं है। मैं मिनोरिटीज़ को भी 56 साल से डील कर रहा हूँ, मुसलमानों को भी, सिखों को भी। अच्छा, उनमें ये है कि जहाँ भी क्राइसिस आता है वो एक हो जाते हैं, वो उसको कैश करना जानते हैं। अब 84 की आप बात कर रहे थे, 84 हुए, मैं बात मानता हूँ गलत हुआ, लोग मारे गए गलत हुआ, मैं बात मानता हूँ, हाँ। मगर उससे पहले पंजाब में खालिस्तान आंदोलन में जो 40,000 बेगुनाह मरे गए, उनका क्या हुआ? नोबडी टॉक अबाउट इट। आर दे नॉट ह्यूमन बीइंग? उसमें मुसलमान सिख भी थे, हिंदू भी थे, उनकी कोई चर्चा नहीं होती। 84 की चर्चा क्यों? उसकी बात हो तो आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। 40,000 लोग इनोसेंट मारे गए जिन्हें कुछ लेना देना नहीं था। मुझे अपने परिवार की बात है, हमारे परिवार के 10 लोग मार दिए गए जिनका कुछ लेना देना नहीं था।